BRTS पर चल रही अटल बसें, जिन्हें आई बस के नाम से जाना जाता है और जो लोगों को इधर से उधर ले जाने का काम करती है, क्या पूरी तरह से सुरक्षित है? जी हाँ, ये पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है और इनमें आग लगने की घटनाएं बढ़ती चली जा रही है। हाल ही में यह सिफारिश की गई है कि इन बसों को बंद कर दिया जाना चाहिए। जी हाँ, BRTS के निरंजनपुर बस स्टॉप पर पिछले दिनों एक आई बस में आग लग गई थी। इसके बाद इसकी मजिस्ट्रियल जांच की गई और सोमवार को इसकी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी गई। रिपोर्ट में आग लगने के कारणों का पता नहीं लगने के साथ ही कई मुद्दे ऐसे उठाए गए हैं जिन्हें बेहद गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता है। यह भी कहा गया है कि BRTS पर चल रही आई बस आग से सुरक्षित नहीं है। एक बस की जांच ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया पुणे से करवाई गई। रिपोर्ट आने तक यह भी कहा गया है कि बसों का संचालन कर बंद करके वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। जांच में बार बार हो रहे हादसों को लेकर रख रखाव की लापरवाही भी सामने आई। रिपोर्ट में हादसे के लिए सरको कंपनी और CEO संदीप सोनी को जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट के अनुसार बस में हजारों लोग रोजाना सफर करते हैं, ऐसे में करोना कंपनी की 26 बसों में सुरक्षित सफर की गारंटी होनी चाहिए। 2 माह पहले 29 अक्टूबर को अंतिम ट्रिप के बाद आई बस में आग लग गई थी। बस खाली होने से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। आग के कारणों का पता लगाने के लिए अटल बस के MD आशीष सिंह ने तकनीकी टीम बनाकर जांच करवाई थी और इसके साथ ही कलेक्टर निशांत वरवड़े ने अपर कलेक्टर निधि निवेदिता को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए थे। सभी पक्षों को जानने के लिए सोमवार को विस्तृत रिपोर्ट पेश की गई और उसमें यह भी पता चला कि मेंटेनेंस में भी लापरवाही की गई है।